वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन उज्ज्वल गुप्ता मैथ्स का अड्डा, आपका अपना चैनल जिस पर आप देखते हो कभी फैक्ट के वीडियोस, कभी मिक्सिंग अप वीडियोस। सो दोस्तों, आज मैं एक नए फैक्ट के साथ आया हूँ, और जब मैं कोई नई चीज सीखता हूँ तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सबके साथ भी शेयर करूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन E=mc², आप सब फैमिलियर हो इस इक्वेशन से। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी आपके टीचर्स या आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि आइंस्टीन ने अपनी मास एनर्जी इक्वेशन में, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में ऐसा क्यों किया कि उन्होंने C² से ही मल्टीप्लाई किया। आप सबको पता है कि एनर्जी, मास एनर्जी इक्वेशन E=mc² होती है, तो यहाँ पर आइंस्टीन ने C² टर्म को ही क्यों यूज किया, व्हाई ही यूज दिस C² टर्म। सो दोस्तों, ये सवाल जब कभी भी आपके टीचर्स ने भी आपसे पूछा होगा या आपने अपने टीचर से पूछा होगा, तो उन्होंने कहा होगा आप इसको घर से कैलकुलेट करके देखिए या इसमें थोड़ा सा जो है अपना एफर्ट लगाइए। तो दोस्तों, इस इक्वेशन को समझने के लिए या आइंस्टीन का इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, आज हम लोग समझते हैं। दोस्तों, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग कई बार क्या होता है, यूनिट्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। कई सारी और एनर्जीज की इक्वेशन होती हैं, उन पर पहले हम लोग बात करेंगे और उनकी यूनिट्स को समझेंगे, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्यों आइंस्टीन ने C² से ही इसको मल्टीप्लाई किया m को मास एनर्जी इक्वेशन देने के लिए। दोस्तों, आप सब जानते हो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ ma². पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। अगर दोस्तों आप इन सबकी यूनिट्स पर ध्यान दो, अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूँ, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो मास की यूनिट kg, जी यानी कि आपका जो है ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आपकी होती है m/s², एंड हाइट आप मेजर करते हो मीटर में, तो टोटल यूनिट कितनी आ गई, kg m² अपॉन s² या फिर kg m² सेकेंड -2, ये यूनिट आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की। सिमिलरली, अगर आप यूनिट कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी की, तो आप पाओगे हाफ कांस्टेंट है, मास की यूनिट हो गई kg, एंड v मींस वेलोसिटी की यूनिट होती है आपके पास m/s² आपने इस यूनिट को भी सॉल्व किया kg m² / s², और आप इसको भी लिख सकते हो kg m² / -2। तो आपने देखा कि आप किसी भी एनर्जी का जब यूनिट निकालते हो तो वो यूनिट एक्चुअल में सेम आती है, kg m² / s² तो अब अगर हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन से यूनिट ऑफ एनर्जी निकालें आइंस्टीन इक्वेशन के लिए, तो मास की जगह पर आप लिखोगे kg, एंड c² विच इज वेलोसिटी ऑफ स्पीड, एंड वेलोसिटी है तो आपको यहां पर भी यूनिट लेनी पड़ेगी m/s, और आप इसका भी स्क्वायर करोगे एंड यू विल फाउंड दैट दिस यूनिट इज आल्सो सेम। इसको भी जब आपने निकाला तो ये क्या आई, ये भी आई kg m² / s². तो फ्रेंड्स, इससे क्या पता चलता है, ये इक्वेशन यूनिट वाइज भी करेक्ट है। जब कभी भी हम लोग किसी इक्वेशन को फॉर्म करते हैं फिजिक्स में, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि जो उनकी यूनिट्स हैं वो क्या उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अभी आपने देखा, हमने वेरियस एनर्जीज की यूनिट्स निकाल के देखी एनर्जी फॉर्मूलों से, लाइक काइनेटिक एनर्जी का हम लोगों ने निकाला कि kg m² / s² आया, पोटेंशियल एनर्जी का भी निकाला। आप किसी और भी एनर्जी का जब फॉर्मूला निकाल कर देखोगे या यूनिट फॉर्मूला देखोगे तो वही आएगा। सेम काम आइंस्टीन ने भी हो सकता है सोचा हो, या इसके पीछे उनका C² से मल्टीप्लाई करने के पीछे का भी लॉजिक कुछ यही रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस इक्वेशन के बारे में या इस लॉजिक के बारे में क्यों आइंस्टीन ने C² से ही मल्टीप्लाई किया, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप इस वीडियो के चैट सेक्शन में उसको कमेंट करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।